तो जो पहला सेंटेंस है हमारा इफ़ क्लॉज का कंडीशनल सेंटेंस का इफ आई हैड हैड मनी आई है इसको देखिए अच्छे से जब आप देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इफ आई हैड हैड लगा हुआ है सेकंड के अंदर मॉडल आना चाहिए मॉडल आना चाहिए तो मॉडल वाले दो सेंटेंस देखेंगे दो सेंटेंस कौन से हैं मॉडल वाले एक है बी ऑप्शन आपका और एक है आपका ऑप्शन सी अब अगली चीज़ क्या है परफेक्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन हमेशा परफेक्ट का होता है तो परफेक्ट है कौन सा दोनों मॉडल वालों में से ये जो आपका ऑप्शन सी है ये परफेक्ट है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे वुड बॉट यानी ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू इफ इट रेंस यू वेट इफ़ इट रेंस प्रजेंट सिंपल है प्रजेंट सिंपल के साथ कॉम्बिनेशन बैठता है फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस आप अगर इसमें से देखते हो तो फ्यूचर से सिंपल का सेंटेंस आपको मिल जाएगा यू विल गेट ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है शी वुड गो टू द जॉब सेंटर इफ शी एब वुड गो सेंटर यहाँ पे देखिए शी वुड गो टू द जॉब सेंटर इफ शी तो वुड आया है तो वुड के साथ में आपका सेकंड फॉर्म आना चाहिए सेकंड फॉर्म कौन सा है वांटेड तो ऑप्शन सी वांटेड जो है आपका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर द डॉग डॉग यू इफ इट हैडंट टाइड अप द डोग लगा हुआ है यानी परफेक्ट तो आएगा मॉडल के साथ में परफेक्ट कौन सा एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है मॉडल के साथ में परफेक्ट का वो है ऑप्शन सी वुड हैव बीटन यानी परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट के साथ बैठता है इफ़ के बाद वाला सेंटेंस कभी भी मॉडल में नहीं आएगा यानी उस सेंटेंस के पहले कभी इफ़ नहीं लगेगा जिसमें मॉडल होता है यानी सीधी सीधी बात यह है कि इफ वहाँ नहीं लगेगा जहाँ पर मॉडल आ जाए मॉडल क्या होते हैं मॉडल होते हैं शैल शुड विल वुड ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं शैल और विल फैमिली मे कैन ये जो चार मॉडल हैं इनसे संबंधित जितने भी वर्ड होते हैं शेल विल कैन और मे से संबंधित जो भी मॉडल्स होंगे मॉडल वाले सेंटेंस में इफ़ नहीं लगेगा इफ़ उस सेंटेंस में लगेगा जिसमें मॉडल नहीं होगा इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव है इट इजी टू पेंट पिक्चर इफ़ यू न्यू हाउ टू डू यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है तो वुड भी आएगा साधारण सी बात है सीधी सेकंड फॉर्म के साथ वुड ही आता है ज़्यादा कुछ नहीं वुड भी कौन से में है ए ए के ऑप्शन में आपका वुड भी है तो वुड भी आ जाएगा इफ आई कम आई इफ आई कम फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है इफ़ आई कम यानी आपके यहाँ पर प्रजेंट सिंपल प्रजेंट सिंपल आपका लगा हुआ है इसके साथ में फ्यूचर सिंपल आएगा आई विल सी कई ये सोचेंगे जी आई के साथ विल नहीं आता है आई के साथ शेल आता है आपकी बात भी सही है लेकिन यहाँ पर जब नहीं लगा हुआ है तो अपने विल से ही काम चलाएंगे और कोई सेट नहीं बैठ रहा है सौ आग पास्ट वुड और विल दो ही है वुड हमेशा पास्ट के साथ आता है परजेंट के साथ विल सी ही आएगा दूसरा कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है शी प्लीज इफ़ यू केम यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आई है तो वुड बी आएगा वुड बी आएगा इफ़ यू केम है तो वुड के साथ में बी आएगा वुड के साथ में बी कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एट्थ क्वेश्चन नंबर एट्थ है इफ इट आई वुड स्टे एट होम आई वुड लगा हुआ है यानी इधर जब वुड है तो इधर सेकंड फॉर्म आ रहा है इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर वुड आएगा अब इधर वुड है तो सेकंड फॉर्म आना चाहिए सेकंड फॉर्म क्या है रेंड सेकंड फॉर्म क्या है रेंड ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा रेंड नाइन्थ में देखिए यू विल कैच द ट्रेन इफ़ यू अर्लियर यू विल कैच द ट्रेन इसमें विल है तो इफ़ यू है इसका मतलब है यहाँ पे आएगा क्या प्रजेंट सिंपल आएगा प्रजेंट सिंपल का तरीका क्या होता है प्रजेंट सिंपल में आपको यू है तो यू के साथ एस या ई एस तो आएगा नहीं सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ऑप्शन सी हो गया लीव दसवा क्वेश्चन है इफ़ ही थर्स्टी ही वुड हैव ड्रंक सम वाटर देखिए वुड हैव लगा हुआ है वुड हैव लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर हैड आना जरूरी है हेड वाला आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है इफ़ ही हैड बीन थर्स्टी तो इस तरीके से ये दस क्वेश्चन आपकी और दसों क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ कॉमन है कॉमन क्या है कॉमन ये है भाई साहब की मॉडल और इफ़ ये जो दोनों चीज़ है मॉडल और इफ ये कभी भी एक साथ में नहीं आते हैं ये रूल है कि ये कभी भी एक साथ में नहीं आएंगे अगर मॉडल है तो इफ नहीं आएगा इफ है उसमें मॉडल नहीं लगेगा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जब एक तरफ परफेक्ट होगा तो दूसरी तरफ भी परफेक्ट होना चाहिए अगली चीज़ क्या है ये एक इसका इसका जो रूल है वो रूल ये कहता है कि अगर आपका प्रजेंट सिंपल है तो प्रजेंट सिंपल के साथ में यानी प्रजेंट इनडेफिनेट भी कह सकते हो फ्यूचर सिंपल का कॉम्बिनेशन बैठेगा प्रजेंट सिंपल है तो कॉम्बिनेशन किसका बैठेगा फ्यूचर सिंपल का तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके माध्यम से आप सभी क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए बाबा जी का घंटा जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू हैव हैवे नाइस डे